नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रेन में आग, दो बोगिया जलकर खाक। इलाहाबाद के नजदीकी छिवकी स्टेशन के पास गुरुवार रात को फैजाबाद से मुंबई जा रही साकेत एक्सप्रेस में आग लग गई। चलती ट्रेन में यह आग पहले पार्सल बोगी में लगी और जल्द ही उसने विकलांग कोच को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गंगा को प्रदूषण से बचाएगा कानून। केंद्र सरकार गंगा नदी को स्थायी रूप से प्रदूषण से बचाने के लिए कानून बनाएगी। कानून लाने का निर्णय एक बैठक में किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिरकत की। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक में शामिल नहीं हुए। गंगा इन दोनों राज्यों से भी बहती है। हार के बाद बढ़ी धोनी के घर की सुरक्षा। ऑस्ट्रेलिया के हाथों सिडनी में विश्व कप सेमीफाइनल मैच में भारत की करारी हार के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां सशस्त्र बलों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि धोनी के घर की सुरक्षा रांची पुलिस पूरे वर्ष ही करती है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मैचों और प्रतियोगिताओं के समय अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। भारत की हार के तुरंत बाद ही बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी धोनी के घर के बाहर एकत्रित हो गए थे, लेकिन उनकी नाराजगी धोनी से नहीं थी क्योंकि उन्होंने आखिरी तक कोशिश की थी।